रहीम क्वेश्चन नंबर थर्टी वन पोस्टीरियर लोब पोस्टीरियर लोब इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट नंबर ऑप्शन बी है सेंसर ऑप्शन सी है पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड ऑप्शन डी है एंटी डायूरेटिक हारमोन मतलब कि ए डी एच इसको हम कहते हैं तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी एम सी क्यूज नंबर थर्टी टू है असेंडिंग लोप ऑफ हैंडले असेंडिंग लोपो फैलने ऑप्शन ए है पैसिफिक ट्रांसपोर्ट ऑप्शन बी है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आइंस ऑप्शन सी है सेंसर एंड ऑप्शन डी है नेटिव टू कोल्ड रीजन सो दुरेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आइंस असेंडिंग लोपा फैलने जीती है वो सोडियम आइंस को एक्टिवेट टेकअप करती है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री है हमारे पास ओ ए के ओक ऑप्शन नंबर ए है पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑप्शन बी है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑप्शन सी है सेंसर एंड ऑप्शन डी है नेटिव टू कोल्ड रीजन सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी नेटिव टू कोल्ड रीजन क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर रिसेप्टर्स रिसेप्टर्स आर ऑप्शन है ए है सेंसर ऑप्शन बी है नेटिव टू कोल्ड रीजन ऑप्शन सी है एंटी डायूरटिक हारमोन ऑप्शन डी है पैसिव ट्रांसपोर्ट सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए रिसेप्टर्स जो होते हैं हमारे पास सेंसर होते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव होम्योस्टैसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग अ कांस्टेंट इन्वायरमेंट डेस्पाइट द कंडीशन वो कहते हैं होम्योस्टैसिस का जो प्रोसेस होता है वो कांस्टेंट इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है इस कंडीशन के अलावा अब वो कौन सी कंडीशन है ऑप्शन नंबर ए है एक्सटर्नल एक्सटर्नल इंटरनल ऑप्शन बी है इंटरनल एक्सटर्नल ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इंटरनल टू एक्सटर्नल मतलब कि हम अपने अंदरूनी माहौल को इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं टुवर्ड्स द एक्सटर्नल टेम्परेचर क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स है होम्योस्टैसिस इज बेस्ड ऑन होम्योस्टैसिस किस चीज़ पे बेस करती है ऑप्शन नंबर वन है थर्मोरेगुलेशन ओनली ऑप्शन नंबर बी है कैटाबोलिज्म ऑप्शन सी है फीडबैक मैकेनिज्म एंड ऑप्शन डी है एनाबोलिज्म सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी फीडबैक मैकेनिज्म क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन टू मेजर कंट्रोल एंड सेंटर्स फॉर होम्योस्टास और होम्योस्टास के लिए दो मेजर कंट्रोल सेंटर कौन कौन से होते हैं ऑप्शन नंबर ए एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑप्शन बी है एपोक्राइन एंड हेट्रोक्राइन ग्लैंड ऑप्शन सी है रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स एंड ऑप्शन डी है ब्रेन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ब्रेन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड क्वेश्चन नंबर थर्टी एट विच ऑफ़ फॉलोइंग एक्टिविटी इज रेगुलेटेड बाई होम्योस्ट्रेसिस इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जो कि होम्योस्ट्रेसिस को रेगुलेट करती है ऑप्शन नंबर ए है टेम्परेचर ऑप्शन बी है वाटर बैलेंस ऑप्शन सी है ब्लड शुगर लेवल एंड ऑप्शन डी है ऑल ए बी एंड सी सो द्रेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी होम्योस्ट्रेसिस इन तीनों को रेगुलेट करती है चाहे वो टेम्परेचर है चाहे वो वाटर बैलेंस है चाहे वो ब्लड शुगर लेवल है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन वट शुड बी दी रेगुलर रेगुलेटर इन दिस चार्ट अब ये जो चार्ट बना है इसमें रेगुलेटर कौन सा है हमारे पास ऑप्शन ए है मेडोलाओमलोगेटा ऑप्शन बी है पिच्यूट्री ग्लैंड ऑप्शन सी है स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑप्शन डी है हाइपोथैलेमस सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस इस तमाम में जो रेगुलेटर है वो हमारे पास हाइपोथैलेमस होता है क्योंकि हाइपोथैलेमस ही है यानी कि वो जगह होती है जिस जो कि हमारे पूरे यानी इनके सिस्टम को कंट्रोल करती होती है हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक पार्ट होता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी है व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म फीडबैक मैकेनिज्म के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ऑप्शन ए है रिसेप्टर्स ऑप्शन रिसेप्टर्स इंसुलेटर्स एंड इफेक्टर्स ऑप्शन बी है रिसेप्टर्स सुप्रेसर्स एंड इफेक्टर्स ऑप्शन सी है रिसेप्टर्स रेगुलेटर्स एंड इफेक्टर्स एंड ऑप्शन डी है रिसेप्टर्स डिप्रेसर्स एंड इफेक्टर्स सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी

सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी हाइपोटोनिक टू सेल क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू है इन एन आइसोटोनिक देयर वुड बी आइसोटोनिक कंडीशन में क्या होता है ऑप्शन ए है नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर ऑप्शन बी है नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इन टू सेल ऑप्शन सी है नेट मूवमेंट ऑफ वाटर आउट ऑफ द सेल एंड ऑप्शन डी है आइसोटोनिक so, no जो होता है उसमें ना हमारे पास क्वांटिटी ज्यादा होती है ना कम होती है बल्कि वो बैलेंस होती है वहां परंबर फोर्टी हुज इंटरनल सॉल्ट कंसेंट्रेशन इज जीरो साल्ट कंसनट्रेशन जीरो पॉइंट फाइव पर लीटर दिस सोल्यूशन इज अब वो कहते हैं एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें जो हमारे पास इंटरनल uh, साल्ट की कंसनट्रेशन जीरो पॉइंट थ्री पर लीटर है जी और उसके में जो एक्सटर्नल साल्ट की साल्ट कंसन्ट्रेशन है वो है जीरो पॉइंट फाइव पर लीटर तो वो वाला सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा ऑप्शन ए है आइसोटून टू द सेल ऑप्शन बी है हाइपोटोनिक टूनिक टू दिस सेल ऑप्शन सी है हाईपर टूनिक टू दिस सेल एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी हाईपर टू दिस क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर ओस्मोसिस इज डिफाइंड एज ओस्मोसिस क्या होती है ओसमोसिस ऑप्शन ए होता है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी प्रमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लेस कंसनट्रेशन ग्रेडियंट ऑप्शन नंबर बी है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट सेमी परमेबल फ्रॉम लेस टू हायर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑप्शन सी है फ्लो ऑफ सल्यूट सेल्वेंट थ्रो सेमी परमेबल फ्रॉम लेस टू दी हायर कंसनट्रेशन स्लूड क्वेश्चन नंबर हमारे पास फोर्टी फाइव है प्लाज्मोलाइसिस ऑफ अन रेड ब्लड सेल वुड कवर इफ द सेल वर् ऑप्शन ए है इन एन आइसोटोनिक सोल्यूशन ऑप्शन बी है इन अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन ऑप्शन सी है इन अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इन अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर कल मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़